गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा जो एलटी का है उसका रिजल्ट जारी किया गया है और आप देख सकते हैं कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा माध्यमिक शिक्षा विभाग जनजाति कल्याण विभाग के विभिन्न विषयों के सहायक अध्यापक के पद कोड 87 और पद कोड 107 की जो लिखित प्रतियोगी परीक्षा जिसका आयोजन दिनांक 21 जनवरी 2018 को किया गया था। उक्त लिखित परीक्षा के आधार पर आयोग की विज्ञप्ति संख्या के द्वारा जनजाति कल्याण विभाग के सहायक अध्यापक एलटी हिंदी विज्ञान अंग्रेजी गणित व संस्कृत गृह विज्ञान कला व्यायाम विषय में चयनित अभ्यर्थियों के अभिलेख सत्यापन हेतु औपबंधिक श्रेष्ठता सूची आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित की गई, जिसके अनुसार चयनित अभ्यर्थियों का अभिलेख सत्यापन 21 अक्टूबर 2021 को किया गया। सूची है कि आयोग की विज्ञप्ति संख्या 239 दिनांक 22 सितंबर 2021 के द्वारा जनजाति कल्याण विभाग की जारी श्रेष्ठता सूची के क्रम में कतिपय अभ्यर्थियों के द्वारा उनका माध्यमिक शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक एलटी की विज्ञप्ति के सापेक्ष विषय विशेष में अभ्यर्थन निरस्तीकरण व अन्य कारणों से जनजाति कल्याण विभाग की जारी श्रेष्ठता सूची में उनसे कम प्राप्तांक अभ्यर्थी का नाम श्रेष्ठता सूची में आने विषयक आपत्ति प्रत्यावेदन प्राप्त होने की स्थिति में जारी परीक्षा परिणाम के संबंध में अभ्यर्थियों से निर्धारित समय के भीतर साक्ष्य सहित आपत्ति प्रस्तुत किए जाने का समय दिया गया। अवगत कराना है कि अभ्यर्थियों के द्वारा माध्यमिक शिक्षा विभाग के जारी विज्ञापित के समय निर्धारित शैक्षिक अर्हता धारित प्रमाण पत्र न होने आदि विषयक आयोग कार्यालय में प्राप्त आपत्तियों का परीक्षण किए जाने के आधार पर माननीय आयोग के द्वारा लिए गए निर्णय के क्रम में विज्ञप्ति दिनांक 21 सितंबर 2021 के द्वारा जनजाति कल्याण विभाग की सहायक अध्यापक एलटी कला हिंदी विज्ञान की जारी तृतीय श्रेष्ठता को पुनरीक्षित करते हुए उक्त विषयों की अभिलेख सत्यापन के लिए तृतीय औपबंधिक श्रेष्ठता सूची प्रकाशित की जा रही है। और माय डियर फ्रेंड्स, यहां पर आप देख सकते हैं कि जिन जिन अभ्यर्थियों का यहां पर चयन हुआ है, तो आप देख सकते हैं यहां पे 1 2 3 4 5 6 कैंडिडेट्स हैं जिनका जो चयन है वो कला जो विषय के अंतर्गत हुआ है। इसके बाद आप देख सकते हैं जो अन्य अभ्यर्थी हैं, इनका है आपका विषय जो सब्जेक्ट है हिंदी सब्जेक्ट के लिए आपके 6 कैंडिडेट्स हैं जिनका नाम यहां पर आया है लिस्ट में। और इसके बाद आप देख सकते हैं जो विज्ञान के जो विषय है वहां पर 2 अभ्यर्थी हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है। और इस प्रकार आप देख सकते हैं कि जो भी अभ्यर्थी हैं जिनका ये रिजल्ट आया है और जिनका सिलेक्शन हुआ है उनको मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। और माय डियर फ्रेंड्स, इसी तरह की अपडेट्स, निरंतर अपडेट्स प्राप्त करने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और जिनका भी सिलेक्शन हुआ है उनको अगेन फिर से बधाई, हार्दिक बधाई।